हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारी चीज़ में क्या होता है, जैसे पढ़ाई करते वक्त अगर बहुत सारी चीज़ अगर उसमें क्या फॉर्मूलाज आते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं, उस समय ये पता भी नहीं चलता कि यार ये कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जिस टाइम अगर यूज़ होता होगा उस टाइम में वो फार्मूला अगर पता भी हो, ठीक है, लेकिन उसको जिस जगह पे एग्जैक्ट यूज़ करना है वो बहुत लोगों को भी नहीं पता होगा। उसके बाद मतलब जॉब में आने के बाद उसी टाइम में पता चलता है, अच्छा ये तो हमने यार पढ़ाई में वहाँ पे पढ़ाई तो करा था लेकिन अभी याद नहीं था, अच्छा अभी पता चला, फिर से उन्होंने याद करा होगा जो भी करा होगा। ठीक है, उसी टाइप का एक चीज़ था जो सबके जो बहुत सारे लोगों का सामने करना पड़ा होगा, और मेरे को भी एक बार जैसे आया था सेम चीज़ था। वो क्या था वो अब देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक प्लाट एरिया निकालना था। ठीक है, अब नॉर्मली ये सोचते होंगे कि यार एरिया निकालने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्या होता है। ठीक है, जैसे इरेगुलर शेप भी होंगे। ठीक है, अगर इरेगुलर शेप है तो उसको आराम से ऑटोकैड में बना के निकाल देते हैं, ये हर कोई सोच रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे इस टाइप का था, मैंने भी जैसे एक बंदा कह रहा था, तो इस टाइप का जो हमारा एक प्लाट एरिया था जो भी था। ठीक है, जैसे जो कैंप जो कंस्ट्रक्शन कैंप होता है जो भी होता है, तो इस टाइप की एक ड्राइंग था। इसके जो बाहर की डायमेंशन अवेलेबल था, सिर्फ बाहर की डायमेंशन ही अवेलेबल था। ठीक है, जैसे इस टाइप तरफ अगर मान सकते हैं आप, इस टाइप के जैसे पॉइंट्स थे जो है। ठीक है, तो इस टाइप में उसके पॉइंट्स का ये जो डिस्टेंस है, इस टाइप के इसमें डिस्टेंस अवेलेबल था, ये जो डिस्टेंस है ये अवेलेबल था। ठीक है, मैंने सोचा यार ये डिस्टेंस है तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे इसको ऑटोकैड में बनाना चालू करा, ठीक है, तब पता चला भाई उसके एंगल तो नहीं है। ठीक है, एंगल नहीं है, और जैसे अगर कोई भी अगर तीसरे पॉइंट आपको यहाँ पे ड्रा करना होगा तो आपको दो पॉइंट से उसकी डिस्टेंस सही होता, तभी जो कंपास जैसे आर्क टाइप में बना काम करता है वो भी नहीं है। तब समझ में आया, फिर उनसे बोला था भाई अगर सिर्फ ये जो पांचों डिस्टेंस है तो अब ये बनाने में ना बना भी नहीं पाओगे पहले बात तो, क्योंकि ये कहाँ से जाके मीट होगा, वो बहुत सारी दिक्कत है। ठीक है, तो फिर उसके बाद उनसे ये जो बीच वाला डिस्टेंस है वो मंगाया गया। ठीक है, फिर जैसे उन्होंने बीच वाला डिस्टेंस बताया था वहाँ से ना आपके जो है बता दिया, फिर हमने क्या कर सकते हैं, अभी जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट से फिर ये जो सारे डिस्टेंस हो गया, इन सारे डिस्टेंस से हम कर सकते हैं जैसे। ठीक है, इससे फिर आप ऑटोकैड से तो बना के कर ही सकते हो, और जिसके पास ऑटोकैड नहीं है और वो क्या कर सकते हैं, सिंपल मेथड है, और विद इन मतलब 5 to 10 सेकंड में आप कर सकते हो इससे। ठीक है, इस फार्मूला से, तो उसके देखते हैं अब क्या करना होता है। जैसे कि दोस्तों अभी अगर कोई अगर कह रहे हैं आपको यार एक प्लाट एरिया निकालना है, तो उनसे सबसे पहले तो ये जो बाहर की डिस्टेंस है ना वो तो जैसे ले ही लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो बाहर की डिस्टेंस के अलावा जो अंदर की जो ट्रायंगल टाइप्स आपको, ठीक है, ट्रायंगल बना के ले लीजिएगा। ठीक है, कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी होगा, कम से कम ट्रायंगल बन गए, जैसे अभी इस टाइप का था। ठीक है, इस टाइप में अभी मैं ये ए बी सी डी नाम दे दिया, तो ए से सी के क्लोज कर लेते हैं, ए से डी के कर लेते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएंगे, ये और तीन बन जाएंगे, इस टाइप के बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप के बन गया, अभी इसको एरिया कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको येलो पोर्शन कर लेता हूँ, इसको ग्रीन और इसका रेड। अभी जैसे येलो पोर्शन का ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी हो गया, और इसको ए सी डी, और उसके बाद ये ए डी ई। ठीक है, ये इस टाइप की हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी इसको कैसे निकालना है, अभी मतलब इतना बहुत ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है, इसमें हाफ भी जो है वो काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है इक्वल भी नहीं है, ए मतलब एंगल भी इक्वल नहीं है, जो साइड्स इक्वल भी नहीं है, तो इसके लिए जो है एक फार्मूला है। ठीक है, इसके एरिया के लिए जो फार्मूला है वो भी देखते हैं, वो है स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक अलग से एरिया निकालेंगे ए बी सी का, फिर इसका एक अलग से निकालेंगे और इसको एक अलग से निकालेंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं यार अब दूसरा तरीका भी है, अगर आपको इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना के, जैसे ये जो है ना इस जगह पे अगर एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं जैसे कि, ठीक है अभी यहाँ पे है, तो आप हाफ बीगेज से भी निकाल तो सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, और इस लाइन है, ठीक है वहाँ पे जो लाइन है वो पहले खींच लेते हैं, इस टाइप की है, एक और दो और तीन, इस टाइप की है, तो इसको निकालने, ये अगर अनइवन है इसको निकालने के लिए तो फार्मूला चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ये फार्मूला तो चाहिए, लेकिन नहीं है यार मैं राइट एंगल ट्रायंगल अगर कर दूं इसको। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे इसे सीधे एक लाइन खींच लेते हैं जो 90 डिग्री में ना, अगर 90 डिग्री में यहाँ पे एक लाइन आप खींच लेंगे, ये जो 90 डिग्री में एक लाइन अगर खींच लेंगे ना,
तो क्या हुआ है, इसके भी 90 हो जाएंगे, इसके भी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका हाफ बी एच इस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा फिर वहां पे यार, फिर इसको तो नापना ही नापना होगा, फिर यहाँ से भी इसको नापना होगा, मतलब वो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएंगे। फिर ठीक है, इसको भी ऐसे होगा, तो फिर इसके भी आपको ऐसे करने पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल करने के लिए, मतलब जिस जगह पे आपका मतलब 3 पोर्शन में निकलने वाला था वो हो जाएंगे 6 पोर्शन हो जाएगा। फिर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप कर सकते हो, जो भी 90 डिग्री देखे ना वो करना पड़ेगा, फिर ये सारे नापना पड़ेगा, बहुत सारा मुश्किल हो जाएगा। वैसे करने के तो आप भी खेच करके फिर वो 6 पोर्शन का आपको निकाल तो सकते हो, लेकिन जो सिंपल तरीका है आप 5 से 10 सेकंड के बीच में आप निकाल सकते हो, वो क्या तरीका है वो देखते हैं। इस टाइप की होगी, ठीक है। तो आप कोई भी अगर आपको इस टाइप की देंगे तो आप ये दोनों डायमेंशन भी ले लीजिएगा, जो भी उनसे बोल दिया यार मेरे को जो ट्रायंगल चाहिए बस सीधा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ए बी सी तो यही है, जो 3 पोर्शन होता है ना, ए बी सी मान लीजिएगा, ठीक है। और अब तो अभी क्या करना है, इसको हम एस क्या होता है वो देख लेते हैं। एस होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इन तीनों का प्लस करके फिर उसके बाद 2 बाई 2 करना से एस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या करना है वो देख लेते हैं। अब जो इसी फार्मूला से, ठीक है, जो फार्मूला दिया हुआ फार्मूला से कैसे इसको निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले एस निकालते हैं इसके लिए, ठीक है। तो एस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 बाई 2, तो ये बी ये, ठीक है, ये तीनों का प्लस करके 2 बाई 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ मतलब यहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है। आपको मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब अगर ये एक्सेल शीट रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली यस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सेकंड जो है एरिया निकालने के लिए जो है, उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस, ये सारे जो है आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, उसके बाद यहाँ पे होल ब्रैकेट हो गए, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये भी सारे लिंक्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी जितना भी डाला हो ना, एक बार यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद जो आंसर है 10.012 यहाँ पे आई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले हमने जो बना कर रखा था इसमें भी देख लेते हैं इसके एरिया क्या आ रहा है। यहाँ पे एरिया का फार्मूला डाला, ठीक है, इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया जो आ रहा है 10.013 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 10.013। तो हमारा यहाँ पे जो आया है 10.012 है, तो 0.001 में तो कोई ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका इसी में जो आपने निकला हुआ जो है वो सही है, ठीक है। अब सेकंड, अब सेम चीज़ है यहाँ पे, उसके लिए जो अलग, उसके जो नेक्स्ट है उसके लिए जो करते हैं, ये जो है सेम टाइप में हम क्या कर सकते हैं, अभी ए सी डी जो है, ये जो ग्रीन पोर्शन है इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। सेम हमने पहले एस निकाल दिया, फिर ए सी डी जो है उसका एरिया है, सेम फॉर्मेट है, ठीक है। सारे फार्मूला में जो लिंक है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। तो इसी फार्मूला से सेम पे जो ए डी ई का निकाल लेते हैं, ठीक है, तभी हम लास्ट में एक बार चेक भी कर पाएंगे, क्रॉस चेक। इसका आ गया सेम 68 आ गया। अब इन तीनों को जो है टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल आ रहा है जैसे तीनों को प्लस करके 114 आ रहे हैं। अब यहाँ पे जाके, ठीक है, ये जो जो बीच वाला मैंने लाइन हटा दिया, तो इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, जैसे एक ज्वाइन ऑप्शन होता है उसे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके फिर सेलेक्ट एडजस्ट करके एंटर कर लीजिएगा, सारे जो लाइन से एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ताकि आपके एरिया निकालने में ईजी रहे। अभी एरिया का फॉर्म कमांड डाल रहा हूँ, एरिया कमांड डालते ही जैसे यहाँ पे आपके आएंगे ऑब्जेक्ट एड एरिया सब्ट्रैक्ट एरिया ये करके, तो मैं ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो डाल रहा हूँ, एंटर कर दिया। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा जिसे सेलेक्ट करते हैं एरिया जो आ रहा है 114.1735, यानी 174 मान सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे ये जो एरिया आ रहा है 114.174, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या है, जो अगर वहाँ पे जो ये जो डायमेंशन वो देंगे ना, उससे आप ऑटोकैड से तो निकाल नहीं पाएंगे पहली बात तो, ठीक है। ऑटोकैड में इसमें ड्रा करना भी मुश्किल होंगे और टाइम भी लगेंगे, ऑटोकैड ओपन करके यार ये सब तो टाइम लगेगा। और एक्सेल में क्या है, सबके पास ऑटोकैड होंगे नहीं होंगे ये भी प्रॉब्लम है पहली बात तो एक्सेल तो सभी के पास होता है। तो एक्सेल में क्या करना है आपको, ठीक है, इस टाइप की आपकी आपके पास है तो सिंपल है। आपका चाहे कितना बड़ा भी एरिया हो, उसमें अगर मान लो कि मेरे तो 3 ट्रायंगल निकल रहे हैं, आपको 4 निकले चाहे 5 निकले चाहे 10 निकले, तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना होगा, जैसे ए बी सी, ये तीनों डालेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, जैसे दूसरा तीसरा, फिर उसके बाद आप लिख के रख लेंगे, फिर चौथा पांचवा छठा, ऐसे करके भी आप टोटल इसमें मार सकते हैं। तो आपको जो है सिर्फ जो यहाँ पे जो डालना होगा, सिर्फ ये जो तीन है ना कोई भी ट्रायंगल का, ये जो तीन है, तीन साइड डालना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके एरिया आ जाएंगे, तो इससे टोटल प्लाट एरिया निकाल सकते हैं। तो यही फार्मूला है। अगर इससे सिंपल आप निकालना चाहें तो पहले बोला था इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन बना लीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये है, तो यहाँ पे जो है बीच में यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, ठीक है, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो अपने आप उसमें आप हाफ बी एच करके जो सिंपल फार्मूला है उससे भी निकाल देंगे। ये भी कोई बहुत बड़ा फार्मूला है नहीं, लेकिन ये एक ही स्टेप में निकल जाएगा, नहीं तो इसको 6 बार में करना पड़ेंगे, ये एक ही बार में निकल जाएंगे, तो सिंपल है। उसमें क्या प्रॉब्लम पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, फार्मूला तो ईजी है हाफ बी एच, लेकिन यहाँ पे आपको जो डायमेंशन है बहुत सारे नापने पड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है इसमें, यहाँ से यहाँ तक कितना है, सब बहुत सारे नापने पड़ेंगे, लेकिन ये क्या है इसमें ऐसे नहीं नापना पड़ेंगे, और इसमें राइट एंगल एकदम सीधा नापना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये तो ऐसे नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट नापना तो ईजी है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नापना ईजी है, लेकिन अभी इस पॉइंट से यहाँ पे से मतलब इसमें राइट एंगल कैसे 90 डिग्री में नापेंगे, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, इसमें कैलकुलेशन एरर आ सकता है। तो इसलिए अगर इररेगुलर शेप है आपका प्लॉट एरिया निकालना है, तो इसी टाइप में आप कभी भी निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट आपको चाहिए, इसी में मैंने जैसे स्टेप बाई स्टेप कराया जो है, ठीक है, इसी में मैं अगर जैसे ये तो तीन तीन एरिया का है, जैसे तीन ट्रायंगल का है, मैं 4 5 6 7 तक अभी करके इसमें मैं एक अपना फॉर्मेट बना के रखा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप अपना इस वीडियो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं उसका कमेंट और अपना मेल आईडी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसके अलावा आपको जो भी अगर फॉर्मेट्स वीडियो चाहिए, जैसे गैडर क्वान्टिटी हो गया, और जो भी अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी डाउट है, और एक्सेल और ऑटोकैड के रिलेटेड कोई भी डाउट है, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जैसे आरी ब्लैक है और पाइलिंग है, प्रीकास्ट है, जो है सारे हैं। उसके अलावा डीपीआर जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और उसी में डेली नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, जो डेली के डेली कैसे ट्रैक करना है, वो सारे इसमें अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और इसमें आप कैसे नेट प्रॉफिट डेली मतलब डेली के डेली आप ट्रैक कर सकते हैं, यार मेरा आज के दिन क्या हुआ और टोटल में क्या हुआ और इस मंथ क्या हुआ, सारे मतलब मंथली डीपीआर डेली डीपीआर, इसमें आपको डेली ये समरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जैसे डेट वाइज नॉर्मली आप डीपीआर एंट्री करते आएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें जो पिक्चोरियल प्रोग्रेस चार्ट है, और डेकिंग शीट के बारे में, और स्टेजिंग का डिज़ाइन है, और गैंट चार्ट है, तो सारे इसमें फॉर्मेट्स अवेलेबल है। आपको जो भी वीडियो चाहिए इसमें आप देख सकते हैं। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो अगर मेरा देखने के लिए, आप जरूर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा, ठीक है, उसको क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी अगर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।